गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। सो आज का व्लॉग आपका भाई अपने कॉलेज से स्टार्ट कर रहा है और आज देख सकते हो आप हमारे, आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हमारे कॉलेज में फेयरवेल। तो हम लोग आए हैं फेयरवेल में, मेरी और तो फेल की एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है, तो प्लीज़ आप व्लॉग में बने रहे। आपको हम दिखाएंगे आज अपनी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली। तो यहाँ से निकलते हैं, सीधा चलते हैं ऑडिटोरियम और आपको दिखाते हैं कि फेयरवेल वाला सारा फंक्शन। ये है ऑडिटोरियम, दिस इज द वे टू द फेयरवेल हॉल। आई विल शो यू गाइस, यहाँ पे बड़े मतलब ये आई मीन वेलकम करने के लिए दिस इज ऑल द कमेटी है। सो गाइस, दिस इज द ऑडिटोरियम, देख सकते हो डीजे एंड द फंक्शन हैज स्टार्टेड नाउ। रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल सर, डोगरा लॉ कॉलेज, डॉक्टर अवधेश प्रताप, डिग्निफाइड फैकल्टी। So guys, this is a like we have prepared this in very short span of time for all of you guys. I hope you guys enjoy it and we love you so much. That's why we did this performance. I hope you listen to this song very calmly. So here we go with the song. तो गाइस अभी हमारी परफॉर्मेंस हो गई है, मैंने जैसा भी गाया, मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई माइक दूर रख, ये बिल्कुल मुंह में माइक लेके भाई मुंह के पास बात सुनना। वीडियो बनाई होगी आई गेस, वो अभी मैं जब घर जाके चेक करूंगा तभी पता चलेगा, लेकिन बिल्कुल मेरे मुंह में माइक डाल दिया था। ये पसीना देख रहे हो मुझे तो भाई साहब यार स्टेज पे जाके बहुत नर्वस हो रहा है, दिल को तसल्ली। सो गाइस अभी हम यहां से बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। भूख लग रही थी यार, हमने परफॉर्म सुबह ब्रेकफास्ट तो मैंने किया नहीं था, ऐसे ही आ गए थे, मैं कुछ खाते हैं फिर अंदर वापस चलते हैं, अभी डीजे खुलने वाला है। सुन ये परफॉर्मेंस का डर गया अब मसला, अब डीजे स्टार्ट होगा गाइस, डीजे वगैरह डांस वगैरह करेंगे, उसके बाद कुछ टाइटल्स वगैरह हैं तो फिर निकलेंगे, फिर उसके बाद हम बाहर चलेंगे फ्रेंड्स के साथ और फिर हम सीधा घर चलेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ से चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग वापस एंटर हो गए हैं कॉलेज में, बाहर से कुछ खा के आ गए, तो अभी हम चलते हैं सीधा अंदर हॉल में बैठते हैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंसेज रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे स्टॉल लगेगा खाने वगैरह का, खाना वगैरह खा लेंगे तो उसके बाद हम आराम से घर निकल जाएंगे। यहाँ पे कुछ कॉरिडोर्स है हमारे कॉलेज के, आप देख सकते हो ऊपर परफॉर्मेंस चल रही है, चलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी हॉल में। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मोहम्मद हामिद मलिक है, एक DNC का सस्ता था शायर हूँ मैं, कभी कभी लिखता हूँ, तो इन्होंने तो ज़बरदस्ती यहाँ भेजा मुझे। तो आज जो भी मैं स्टेज पे कहूँगा, सबसे रिक्वेस्ट है कोई दिल पे नहीं लेना, क्योंकि पिछली बार भी 2-4 ने दिल पे लिया था। तो ये जो सबसे पहले, ये किसी के बारे में नहीं है, किसी को मैं पोक नहीं कर रहा, पहले भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ। तो पहले शायरी स्टार्ट होती है कि यहाँ बैठे हैं बहुत मासूम लड़के, मुझे नहीं लगता किसी ने नहाया है। यहाँ बैठे हैं जितने लड़के, मुझे नहीं लगता किसी ने नहाया है, पर हैट्स ऑफ टू DNC गर्ल्स, इन्होंने तो फेयरवेल के बजट से ज़्यादा पैसा अपने मेकअप पर लगाया। मैं कोई बुरा नहीं मान रहा यार, जो टीचर से लेकर स्टूडेंट्स तक। मुझे आज भी याद है कॉलेज का दिन, कॉलेज के बाहर खड़ा था, टीचर थे नए और नए थे टीचर्स, अंदर से मैं नर्वस पड़ा था।
है, याद तो आएंगे। थोड़ी तबीयत आज खराब है, रात से सोया नहीं हुई है। कंटेस्ट होने वाला है, मिस्टर एमसी। देयर विल बी टू राउंड्स इन दिस कॉन्टेस्ट। इन द फर्स्ट राउंड द कंटेस्टेंट्स हैव टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड टेल द ऑडियंस एज़ टू व्हाई दे डिजर्व टू होल्ड द टाइटल ऑफ मिस्टर एंड मिस टीएलसी। एंड द सेकंड राउंड वुड बी ऑफ Q&A, दैट इज द क्वेश्चन एंड आंसरिंग राउंड। नाउ आई रिक्वेस्ट द विलिंग पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। Guys, show themselves and tell the audience as to why they deserve to hold the title of Mr. and Miss DLC. And the second round will be of Q&A, that is question and answering round. We'll start with the girls, please, ma'am. Good afternoon, everyone. My name is Vanshika Gupta, and What is your biggest dream? फाइनली गाइस फंक्शन ओवर हो गया है, अब इसके बाद डीजे लगेगा, आप देख सकते हो सब लोग जा रहे हैं यहाँ से। गाइस यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, ये रुक रही है फोटो लेने के लिए, इसको नंबर नहीं आने वाला। ओ हीरो हीरो फोटो कहाँ लेगा, कहाँ लोगी फोटो? रोटी भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। आपको दिखाता हूँ स्टॉल कहाँ पे लगा है, यहाँ से कुछ थोड़ा संभव दिख रहा है, कुछ खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। भाई स्टॉल देख रहा हूँ कितना रश चल रहा है, जैसे तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे शादी का खाना मिल रहा है। यार यहाँ पे रश ही नहीं खत्म हो रहा है, कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत रखा है इन्होंने खाने का सिस्टम, फिर भी जाके शूट। फाइनली गाइज आप देख सकते हो फेयरवेल पार्टी इज ओवर, सारा काम कंप्लीट हो गया, फंक्शन जो है पूरा ओवर हो गया। हम लोग बाहर निकले थे कुछ खाने वाने के लिए, खाना वगैरह हमने खा लिया, भूख लगी थी। क्या हो गया यार, हॉर्न बजाया जा रहा है व्लॉग के पीछे, इधर जा। तो गाइज अभी हम यहाँ से निकलते हैं घर जाके आराम से रेस्ट करते हैं, और उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। अभी मैं व्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पाया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा थी, खाने में सारे व्यस्त थे, खाना वाना खा लिया जिसमें। अभी हम निकल गए, मेरे साथ आप देख सकते हो कौन है, तो फेयरवेल होगी है। आप मेरे को जरूर बताना, आपको मैंने जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस की क्लिप्स दिखाई वो आपको कैसी लगी, और घर जाके मिलता हूँ आपसे सीधा। तो फाइनली गाइस फंक्शन वगैरह खत्म हो गया था और मैं घर पे आ गया था बाहर जाने के बाद फ्रेंड्स के साथ। आप देख सकते हो मेरे मुंह से आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूं। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आएगा तो व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और हमारी 1K की फैमिली कंप्लीट होने वाली, प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।